24 घंटे पहले हमने आपको खबर दिखाई थी और मात्र 24 घंटे के अंदर अंदर हमारी खबर एक बार फिर से सच साबित हुई। कल से पहले जो है वो लगातार और आज भी दिन भर कई चैनल खबर चला रहे थे कि नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं, ये वो घुमा घुमा करके खबर जो आपको दिखाई बताई जा रही थी। लेकिन कल हमने आपको ये कहा था कि नीतीश कुमार पलटी नहीं मारेंगे, बल्कि नीतीश कुमार अब अपने राज्य की तरफ बढ़ रहे हैं, नीतीश कुमार विधानसभा की तरफ बढ़ रहे हैं। और विधानसभा में मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार अब कभी पलटी नहीं मारेंगे, हालांकि उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है। आगे हम केसी त्यागी का और बहुत कुछ बयान आपको दिखाने वाले हैं। तो नीतीश कुमार आगे पलटी मारेंगे या नहीं मारेंगे वो तो एक संभावनाओं का जो है वो विषय है, और उसमें क्या कुछ बैकग्राउंड तैयार किया जा रहा है वो भी एक अपने आप में सोचने वाली और रिसर्च करने वाली बात है। लेकिन फिलहाल के तौर पर नीतीश कुमार कहीं जाने वाले नहीं है, और ये बात कल हमने 24 घंटे पहले, कल जब शाम को हम 7 बजे लाइव थे तो उस वक्त में हमने ये चर्चा शुरू की थी, और उस चर्चा में हमने पुरजोर तरीके से इस बात को रखा था कि नीतीश कुमार पलटी नहीं मारेंगे अभी फिलहाल। और आखिरकार वही नीतीश अभी उसी रुख पर है, एनडीए के साथ ही है, ऊपरी तौर पर है, दिल से है वो एक अलग विषय है, राजनीतिक लाभ लेने के लिए है या अपने आप को बचाने के लिए है या अपने आप को मजबूत करने के लिए है या दूसरी कोई वजह है जिसकी वजह से, वो एक अलग विषय है। लेकिन ऑफिशियली कल ये था और आज भी यही है, नीतीश कुमार जस के तस है। लेकिन नीतीश कुमार के जो फैसले आज हुए हैं जेडीयू के अंदर, जेडीयू के अंदर नीतीश कुमार के जो आज फैसले हुए हैं उनको कौन ले रहा है? संजय झा को अध्यक्ष बनाया गया है, वो अध्यक्ष बनवाने का जो फैसला हुआ है, संजय झा को जो अध्यक्ष बनाया गया है वो जो है सबसे बड़ी बात है कि उसके पीछे किसका दिमाग है, कौन चाहता है कि संजय झा को अध्यक्ष बनाया जाए, ये एक बड़ा सवाल है जिस पर हम चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ ये कि क्या नीतीश को डबल झटका देने की तैयारी की जा रही है, और ये डबल झटका क्या है ये मैं आपको आगे खबर में बताऊंगा। आप लोग एक बार मुझे बताइए कि आप तक हमारी ये आवाज पहुंच रही है, खबर पहुंच रही है क्या, ये भी आप बताइए। और अभी संजय झा का जो बयान आया है, संजय झा का बयान आया है उनके कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद में, वो थोड़ा सा समझना दिलचस्प। बिल्कुल, तो देखिए आज जो बैठक हुई और इस बैठक के बाद जो बयानों का दौर शुरू हुआ है वो भी अपने आप में बड़े सवाल पैदा करते हैं कि आखिर इन बयानों का क्या कुछ मतलब हो सकता है। इस बीच मैं आपको संजय झा का बयान बता देती हूं, जो नए नए अभी अध्यक्ष बनाए गए हैं जेडीयू के अंदर। उन्होंने इस बैठक से बाहर निकलने के बाद कहा कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुझे दी है, मैं उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। उन्होंने 20 साल में बिहार में बड़ा बदलाव लाया है, इनके काम को बात को लेकर अन्य जगह भी जाने का उद्देश्य रहेगा। ये कहा गया है संजय झा की तरफ से, जो कि अभी अभी नए नवेले अध्यक्ष बनाए गए हैं जेडीयू की तरफ से। सर, सबसे पहले प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी, जो ये बयान सामने आया इस बयान के बाद, इस बयान का क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, इन्होंने अपने बयान में 2-3 चीजें जो है वो शामिल की है। सबसे पहले 20 साल का जिक्र कर रहे हैं अपने बयान में जी, कि 20 साल में नीतीश कुमार ने बिहार में बड़ा बदलाव लेकर के आए। तो 20 साल की अगर इनकी खुद की राजनीति देखें, इनकी खुद की राजनीति में बड़ा बदलाव आया। ये राजीव प्रताप रूडी के पीए थे। अब यही सवाल उठ रहा है बिहार के अंदर, क्या नीतीश कुमार के फैसले बीजेपी ले रही है? नीतीश कुमार आखिरकार एक ऐसे नेता को जो राजीव प्रताप रूडी के पीए रहे हैं, राजीव प्रताप रूडी के पीए रहे हैं एक वक्त में, और 12 साल पहले, मैं 10-12 साल पहले जो है, जो 20 साल का ये खुद का जो है वो ट्रैक रिकॉर्ड बता रहे हैं। और अमित शाह के साथ में फोटो देख लीजिए आप, अमित शाह के साथ में इन्हीं संजय झा की फोटो है। तो 20 साल की बात यहां पर नीतीश कुमार की जाती है, और 12 साल पहले जेडीयू के अंदर आए संजय झा को राष्ट्रीय कार्यकारी का अध्यक्ष बनवा दिया गया, इसके इशारे पर बनाया गया है। कौन चाहता है कि ये यहां पर जो है वो अध्यक्ष बने, और ये किसके ज्यादा करीब रहेंगे, नीतीश कुमार के ज्यादा करीबी रह करके काम करेंगे या दूसरी तरफ से इनका रिमोट कंट्रोल रहेगा? लेकिन ये बड़ा सवाल है। और दूसरी बड़ी बात जो है वो ये कह रहे हैं कि
मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। तो यही जो है वो बड़ा सवाल है कि किसके प्रति जो है वो लॉयल रहेंगे, किसके प्रति जो है ज्यादा जिम्मेदारी इनकी रहेगी, क्योंकि दोनों खेमे के अंदर ये टीवी चैनलों में बताया जा रहा है कि इनकी जो दोनों दोनों खेमों में इनकी स्वीकार्यता है, दोनों खेमों के अंदर इनकी स्वीकार्यता है या नहीं है वो एक अलग बात है, लेकिन सीधी बात यह है कि आखिरकार वो तमाम नेता जो नीतीश कुमार के पुराने साथी रहे, वो तमाम नेता जिन्होंने नीतीश कुमार का हर अच्छे बुरे वक्त में साथ दिया, उनको दरकिनार करके अगर संजय झा को अध्यक्ष बनाया गया है तो इसके पीछे किसका हाथ है? अमित शाह के करीबी है, फिर बीजेपी में एक लंबे वक्त तक काम किया और अब ये यहां पर आए हैं तो किसके साथ में रहेंगे? जी सवाल आपने यही जो आप अभी बात कह रहे हैं, सवाल यही है कि आखिर में ये जो इतने लंबे वक्त तक बीजेपी के साथ रहे तो इस बात को नीतीश कुमार भी अच्छे से जानते हैं और इसके बावजूद उन्होंने अपने एक से एक दिग्गज नेताओं को दरकिनार करते हुए संजय झा को ये पद दिया, इसके पीछे नीतीश कुमार की क्या सोच हो सकती है, क्या रणनीति हो सकती है? देखिए नीतीश कुमार जो है वो एक जो है अगर थोड़ा सा इसको समझे जी तो नीतीश कुमार हो सकता है कि उनके दिमाग में ये चल रहा हो कि इनके सहारे बीजेपी से और ज्यादा निकलवाया जाए, बीजेपी के करीबी हैं ये, बीजेपी में अच्छे रिश्ते इनके, तो इनके सहारे जो है वो और बीजेपी से ज्यादा निकलवाया जाए, लेकिन कभी ये उल्टा इसका ना हो जाए यही जेडीयू को लेकर के निकल जाए बीजेपी की तरफ। और इसके बाद में केसी त्यागी का जो बयान है उसको समझना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। केसी त्यागी के बयान से जो हमारी कल की खबर थी उस पर मेन मोहर लगी है। केसी त्यागी ने आज साफ कर दिया कि वो एनडीए के अंदर रहेंगे और इसी से आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। पूरा बयान जो शालिनी बताइए आप। जी बिल्कुल, देखिए संजय झा की तो हम बात कर ही रहे हैं लेकिन इस बीच में केसी त्यागी के बयान की भी चर्चा हो रही है और आखिर में क्यों हो रही है, उन्होंने ऐसा क्या कुछ कह दिया है जिसके बाद उनके बयान जो है चर्चाओं के विषय बन गए हैं और जो हमारी ये पूरी की पूरी खबर जो है इस बयान पर किस तरीके से आधारित है या फिर हमारी जो खबर हमने आपको कल बताई थी उसे किस तरीके से ये सच साबित करती हुई नजर आ रही है, जरा आपको मैं वो बता देती हूँ और वो बयान भी मैं आपको पढ़कर बता देती हूँ जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त है। केसी त्यागी की तरफ से कहा गया है, उन्होंने यानी सीएम नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सामने घोषणा की है कि अब वो हमेशा एनडीए गठबंधन का हिस्सा रहेंगे। बिहार हाईकोर्ट द्वारा रोके गए आरक्षण को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। राज्यसभा सांसद संजय झा को राष्ट्रीय कार्यकारिणी का अध्यक्ष बनाया गया है। हम विशेष दर्जे और आर्थिक पैकेज के लिए लड़ाई जारी रखेंगे। तो सर ये दो बातें यहाँ पर, एक इस पर सफाई देना कि हम एनडीए के साथ ही रहेंगे, इस बात को नीतीश कुमार ने कह दिया है। दूसरा वो अपनी एक लड़ाई भी उसे भी बता रहे हैं कि वो चाहे बिहार के आर्थिक पैकेज को लेकर हो, चाहे बिहार का को विशेष दर्जा दिलाने के लिए हो, तो कैसे ये दो बातें कैसे आपस में मेल खाएंगी? देखिए आप इस बयान को उल्टा करके पढ़िए जी। बयान में पहले की लाइन में लिखा है, पहली बात जो उन्होंने कही है वो ये कहा है कि हम एनडीए के साथ रहेंगे। दूसरी बात जो उन्होंने कही है कि आरक्षण को लेकर के हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तीसरी बात जो उन्होंने कही है कि संजय झा को राष्ट्रीय कार्यकारिणी का अध्यक्ष बनाया गया। और चौथी बात उनकी तरफ से कही गई है कि विशेष राज्य का दर्जा और आर्थिक पैकेज की लड़ाई जारी रखेंगे। चार बातें इनके बयान में है, केसी त्यागी के बयान में चार बातें ये। मैं कह रहा हूं इस बयान को आपको समझने के लिए उल्टा करके पढ़िए। जो काम आज हो सकता था, आप एनडीए में रहेंगे ये आपसे किसी ने पूछा नहीं, आप एनडीए में हैं, आप एनडीए से भाग रहे हैं तो आप किसको बता रहे हैं, छोड़ दीजिए उस बात को। नीचे से आप पढ़िए, आर्थिक पैकेज की लड़ाई जारी रखेंगे, किससे जारी रखेंगे भाई? आर्थिक पैकेज की लड़ाई क्यों कर रहे हैं आप जो है वो नरेंद्र मोदी जी की इस वक्त में सरकार के अहम हिस्सा है तो लड़ाई किस बात की है? उठाइए पैकेज और निकलिए बिहार और बांटिए बिहार में। नीचे से पढ़िए इस बयान को आप। इसीलिए देखिए मैं खबर को जो है बड़ी बारीकी से देखता हूं, इसीलिए मेरी एक खबर जो अक्सर सही साबित होती है। ऊपर से इस बयान को आप पढ़ेंगे तो बयान आपको जो है वो बड़ा सिंपल सा दिखेगा, लेकिन इस बयान को नीचे से पढ़ेंगे और जरूरी चीज जो है वो नीचे डाल दिए,
एनडीए में आप रहेंगे नहीं रहेंगे इससे लोगों की कोई दिलचस्पी नहीं है, आप कुर्सी पे है नहीं है उससे भी कोई दिलचस्पी नहीं है, जो कुर्सी पे है जिसके साथ भी है वो बिहार को क्या दे रहा है लोगों की दिलचस्पी इस बात में, बिहार को उससे क्या मिल रहा है लोगों की दिलचस्पी इस बात से। आप जो है वो लड़ाई कह रहे हैं, अभी भी लड़ाई करेंगे आप, आपको कोई राहुल गांधी से साइन थोड़ी ना करवाने हैं जिसको लेकर के आप लड़ाई की बात कर रहे हैं, आप नरेंद्र मोदी से खटाखट साइन करवाइए और निकलिए बिहार और बांट दीजिए पैकेज को, देखिए टक से आपकी सीट कितनी बढ़ जाती है विधानसभा के अंदर, और नीचे आप गणित देख ही रहे हैं 243 का आंकड़ा है, 122 जो है वो बहुमत के लिए चाहिए, 44 सीटें सिर्फ जो है वो जेडीयू की आ पाई, 43 सीटें, तो 43 से सीधा 143 भी हो जाएंगे आपकी सीटें भैया अगर आप ये कर पाए तो, लेकिन क्या आप करवा पाने की कंडीशन में है, सवाल इस बात का है, क्या आपके लिए नरेंद्र मोदी करेंगे, सवाल इस बात का है। संजय झा को बनाए आपके घर की बात है, आप संजय झा को बना दीजिए, आप खुद बन जाइए, आप ललन सिंह को बना दीजिए, जिसको मर्जी बनाइए, आप विजय चौधरी को बना दीजिए, संजय पासवान को बना दीजिए, किसी को भी बना दीजिए आप, तो ये लोगों का इंटरेस्ट की जो बात थी वो सबसे नीचे आपने डाल दी। और आप कह रहे हैं आरक्षण को लेकर के हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, उसमें भी बेफिजूल की बातें ये, आरक्षण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जाने की भी आवश्यकता नहीं है, आरक्षण को लेकर के सीधे तौर पर यह है कि आप मोदी जी से बोलिए कि संविधान की 9वीं सूची के अंदर आप डालिए और खेल खत्म करिए। तो ये जो सीधी बात है उसको जलेबी बनाने की कोशिश बेकार में की जा रही है, और इनको लग रहा है कि लोग इस जलेबी को समझेंगे नहीं कि ये जलेबी कैसे बनाई जा रही है। आप जलेबी मत बनाइए भैया, आप सरकार में है इस वक्त में, आप सीधे साफ शब्दों में बात कीजिए, लोगों को बताइए कि आप क्या दे रहे हैं, और अगर आपके पास में कुछ नहीं है तो फिर टाटा बाय बाय, दूसरा देखिए। लेकिन इस बीच में आगे बढ़ने से पहले मैं एक सवाल ये भी करना चाहूंगी कि ये भी कहा जा रहा है कि अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलता है तो हो सकता है कि फिर जो नीतीश कुमार है वो अपनी इस मांग पर आ जाए कि अगर आप बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे सकते तो आप राज्य को बड़ा पैकेज दे दीजिए, इस पर क्या कहेंगे? अरे वो कुछ नहीं देंगे साहब, आपको एक बात बताइए जी, आपके पास में एक ट्रॉफी है, दो बच्चे रो रहे हैं, आप एक टोपी को क्या करेंगे, एक बच्चे को दे दी तो दूसरा बच्चा और तेजी से रोएगा और आपके सामने और बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी, तो फटाक से आप एक टोपी को अपने जेब में रखिए चुपचाप से और दोनों बच्चों का ध्यान कहीं और लगा दीजिए। आर्थिक पैकेज की बात, विशेष राज्य के दर्जा देने की बात अकेले नीतीश कुमार थोड़ी ना कर रहे हैं, उधर चंद्रबाबू नायडू भी मुंह धोकर के बैठे हुए इसको लेकर के, वो भी पूरा नहा धो करके इंतजार कर रहे हैं कि कब आर्थिक पैकेज मिलता है, कब जो है वो ये विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। दोनों ही लोग इसी चीज का इंतजार करते करते शायद शांत बैठे थे, वो एक को देंगे तो दूसरे को भी देना पड़ेगा, और इसीलिए जो है वो यहाँ पर नीतीश कुमार को कुछ मिलेगा इसकी संभावनाएं कम दिखाई दे रही हैं, इसलिए जो नीतीश कुमार अपनी कुर्सी को सेव करने के लिए बीजेपी की जय जय करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो इस सवाल पर हम आगे बढ़े, लेकिन अब अपने अगले बयान पर हम आगे बढ़ते हैं जिसके अंदर मैं बता दूं अशोक चौधरी की तरफ से एक बयान सामने आया है जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद। इसके अंदर अशोक चौधरी ने कहा है, आपके स्क्रीन पर भी वो बयान है, पार्टी मजबूत होगी और हम जदयू को राष्ट्रीय पार्टी बनाएंगे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा हमारी पुरानी मांग है और ये मांग जारी रहेगी। सर सवाल यहाँ पर यह है कि एक पुरानी मांग है, ये बात सत्य है, और नरेंद्र मोदी की तरफ से पहले कहा भी गया था कि एक विशेष पैकेज का ऐलान जो है वो किया भी गया था जब शुरुआती में, और कहा गया कि ये दे भी दिया गया केंद्र सरकार की तरफ से, लेकिन जेडीयू की इस पर भी कोई सफाई नहीं आई। तो इन सब चीजों को अगर जोड़कर देखे इस बात को तो कैसे एक पूरी का पूरा जो चित्र है वो कैसा निकल कर सामने आता है? भैया एक चीज आप कब तक चलाएंगे, एक कैसेट कब तक चलाएंगे? आप जो वो कह रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा हमारी पुरानी मांग है, किससे मांग रहे हैं आप? आप नेपाल की सरकार से मांग रहे हैं, आप श्रीलंका की सरकार से मांग रहे हैं, किससे मांग रहे हैं? वही मोदी जी जो बिहार में जाते जो कहते हैं कि यहां से पुराना रिश्ता नाता है मेरा, तब मांग किससे रहे हैं? बिहार के लोगों कब तक जो है वो आप यही बात बोलते रहेंगे? बिहार के लोग पूछेंगे नहीं क्या आपसे? बिहार के लोग आपसे कहेंगे नहीं क्या कि ये जो पुरानी मांग है आपकी उसको कब पूरा किया जाएगा? और आपको पूरा करना पड़ेगा, और नहीं करेंगे तो ये जो आपकी जो
राजनीतिक बयानबाजी है, इसको जनता टाटा वाई वाई भी कर देगी। इसको भी याद रखिए कि जो आपकी जो बयानबाजी है इसको जनता टाटा वाई वाई भी कर देगी। इसमें कोई ज्यादा दो जो है वो बड़ा खेल नहीं है कि आपको जो है वो जनता हमेशा सर पर बैठा करके ही रखेगी। जी बिल्कुल, देखिए इस बीच में कई बीजेपी नेताओं के ये कहा जा रहा था कि उनकी तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया है। जब दोपहर के अंदर हम ये खबर कर रहे थे तब तक किसी बीजेपी नेता की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया था इस बैठक को लेकर, क्योंकि विधानसभा चुनावों को लेकर भी नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया था कि एनडीए जो है वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार विधानसभा का जो चुनाव है वो लड़ेगा। और साथ ही साथ में उस वक्त तक ये कहा गया कि अगर ऐसा नहीं होता तो अकेले भी जो पार्टी है वो मैदान में उतर सकती है, और तब तक बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी। इस बीच में अश्विनी चौबे जो है बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, उनकी तरफ से एक प्रतिक्रिया जो है वो सामने आई है। मैं आपको बता दूं, अश्विनी चौबे जो कि भाजपा के वरिष्ठ नेता है, उनकी तरफ से कहा गया है भाजपा की अगुवाई में एनडीए बिहार में चुनाव लड़े और बीजेपी की सरकार बने, मुख्यमंत्री कौन होगा ये बाद में तय किया जाएगा। साफ तौर पर कल जो ये बात कह रहे थे अश्विनी चौबे जी, अब पत्रकारों को जाकर के उनसे पूछना चाहिए, पत्रकारों को जाकर के उनसे पूछना चाहिए कि आप ये बात कल बोल रहे थे अश्विनी चौबे जी कि भाजपा की नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे वहां पर, तो ये बयान काफी ज्यादा सर्कुलेट हो रहा है इस बैठक के बाद, तो ये तो जाकर के पूछना चाहिए, लेकिन कोई पूछ नहीं पाएगा। अश्विनी चौबे दो चार दिन के लिए शांत रहेंगे, फिर निकल करके बाहर आएंगे, फिर बोलेंगे क्योंकि उनकी टिकट काट दी गई है, सांसद रहे नहीं, बीआरएस मिल गया उनको भी, अब उनका काम क्या रह गया, वो इस प्रकार की बयानबाजी करेंगे, दो दिन चार दिन शांत बैठेंगे, फिर उसके बाद में देखिए आप। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा में ऐसे लोगों को आखिरकार क्यों जो है वो दिया जा रहा है, ये बयान ऐसे क्यों दे रहे हैं, ये क्रोनोलॉजी का विषय है कि क्या ऊपर से मैसेज दिया जा रहा है कि आप वहां पर जो है वो नीतीश कुमार को लेकर के हवा बनाते रहिए, सवाल इस बात का। जी हम अब ये बात हो गई अश्विनी चौबे की तरफ से जो ये कल बयान दिया गया था इस बैठक के बाद, ये बयान भी काफी ज्यादा चर्चाओं के अंदर आ गया। इस बीच में जो अगला बयान जो है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, अगला बयान बीजेपी के ही नेता का है और माफ कीजिएगा संजय झा का जो है ये बयान है जो कि वरिष्ठ जो कि अब बनाए जी, तो इनका जो ये बयान है ये भी दो दिन पहले ही ये बयान दिया गया है। ये कहा गया कि बिहार में एनडीए का मतलब है नीतीश कुमार और कोई नहीं। ये जब बयान दिया गया जब ये इससे पहले हमने दिखाया सुनील दुबे का, तो उनके बयान के बाद अश्विनी चौबे का, तो अश्विनी चौबे के बाद जो इन्होंने कहा था, अश्विनी चौबे के बयान के बाद जो है इन्होंने ये बात कही थी कि भाई नीतीश कुमार के बगैर कोई नहीं है, नीतीश कुमार के बिना कोई नहीं है। तो ये तो जो है वो राजनीतिक बयानबाजी है और यही शायद जो है वो आप कह सकते हैं कि अब बीजेपी और नीतीश कुमार के नेता कर रहे हैं, कोरी बयानबाजियां यहां पर हो रही है। बिहार के लोगों को ये बताइए कि फिर से एक बार ट्रिपल इंजन की सरकार का क्या बेनिफिट मिला है, 11 दिन में 5 पुल टूट गए, ये बेनिफिट दिखता है, क्या बेनिफिट जो है, क्या नरेंद्र मोदी जो है वो बिहार के लोगों के लिए दे पाए हैं। चुनाव में जो है वो बिहार जाने वाला है, नीतीश कुमार कह रहे हैं, उनकी एक बात जो है वो अभी तक नहीं मानी गई, जिस पर कोई नहीं बोल रहा, जिस पर कोई नहीं पूछ रहा है। नीतीश कुमार चाहते हैं कि अभी अभी जो है वो हरियाणा झारखंड महाराष्ट्र का जब चुनाव होगा 3 महीने बाद, इसी चुनाव के साथ में, हालांकि वो चाहते थे तो लोकसभा के साथ में, लेकिन बीजेपी ने रिस्क नहीं लिया उस वक्त में। अब उनकी दोबारा एक और डिमांड है, दोबारा उनकी दिल की इच्छा है, वो ये चाहते हैं कि एक साल भर के अंदर पता नहीं क्या होगा, अगले साल 2025 में चुनाव होने बिहार में विधानसभा के, तो पता नहीं तब तक क्या होगा, किस तरीके से राजनीतिक समीकरण बनेंगे, कौन उठेगा कौन बैठेगा, कौन इधर रहेगा कौन उधर जाएगा, कौन टूटेगा, तो इसलिए पहले ही चुनाव करवा दिए जाए। अब जो उनकी एक दिली इच्छा है वो ये है कि आप बिहार का विधानसभा चुनाव झारखंड हरियाणा महाराष्ट्र के साथ करवा दीजिए, लेकिन अभी तक उस पर बीजेपी की तरफ से कुछ नहीं कहा गया और ना ही ये बात मेनस्ट्रीम मीडिया कोई किसी से बीजेपी के नेताओं से पूछ पाते हैं, ना ये बात जो है वो सार्वजनिक मंचों पर नीतीश कुमार से और बाकी नेताओं से पूछ पाते हैं कि वो चुनाव कब चाहते हैं। अगर आप नीतीश कुमार पर दबाव देकर के इस बात को कहा जाए कि नीतीश कुमार जी अगर बिहार में चुनाव अभी हो जाए 3 महीने बाद झारखंड मध्य प्रदेश झारखंड और ये हरियाणा महाराष्ट्र के साथ में, तो क्या आपको लगता है कि अच्छा रहेगा, वहां भरेंगे,
लेकिन उनकी हां को कोई हां भरने वाला नहीं। तो सवाल इस बात का है कि जिस तरीके से जो बयानबाजियां चल रही हैं, और अब ये देखिए अब संजय पासवान का बयान है, ये भी दो दिन पहले कह रहे थे कि बीजेपी के साथ में अगर नीतीश कुमार नहीं होते तो उनका खाता नहीं खुलता। तो बीजेपी में इस वक्त में रस्साकसी चल रही है नीतीश कुमार के साथ, और नीतीश कुमार को बीजेपी अभी जो है वो उनको लाइमलाइट लेने नहीं चाहते, देना नहीं चाहती है कि वो किसी प्रकार से अपने आप को हीरो बनाए। अगर आर्थिक पैकेज मिल जाता है या फिर विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता है तो नीतीश कुमार हीरो बनेंगे कि देखो हमारी 20 साल पुरानी मांग थी, हम संघर्ष करते रहे और केंद्र की सरकार से हम लेकर के आए। अरे ये नहीं बता रहे, 10 साल पहले भी नरेंद्र मोदी थे, इससे ज्यादा ताकत से थे, आज तो बैसाखियों पर है वो, और बल्कि आपके लिए तो आज ज्यादा ताकत है क्योंकि आज आपकी जरूरत है उनको, और इसलिए जो है वो नीतीश कुमार को कम से कम जो है वो अब अपनी जो मांग है उसको रखना चाहिए, दोहराना चाहिए उसको। तो अब अगले नेता बीजेपी नेता के बयान की ओर हम बढ़ते हैं, और इस बयान के अंदर ये शहनवाज हुसैन की तरफ से ये बयान दिया गया है। शहनवाज हुसैन की तरफ से कहा गया, नीतीश जी के नेतृत्व में जेडीयू मजबूत हो रही है, एनडीए भी मजबूत हो रहा है, भाजपा और जेडीयू के बीच संबंध इस समय इतिहास के सबसे अच्छे दौर में है। तो सर क्या वाकई जेडीयू और बीजेपी के संबंध इस अभी के इतिहास के अंदर सबसे अच्छे और अभूतपूर्ण चल रहे हैं? देखिए बयान आया किसकी तरफ से, मैं कह रहा था ना फिर नीचे से देखिए आप, ये बयान जो है शहनवाज हुसैन की तरफ से। ये बयान अगर बीजेपी के किसी केंद्रीय मंत्री की तरफ से आया होता, ये बयान अगर भाजपा के कोई कद्दावर बिहार के नेता की तरफ से आया होता तो समझ में आता, ये बयान आया शहनवाज हुसैन की तरफ से। बीजेपी के नेता हैं, पूर्व में मंत्री भी रहे हैं, सारी बातें ठीक है, लेकिन वो टीवी के अच्छे प्रवक्ता भी हैं, उन्होंने एक बयान देना था, सो दे दिया साहब। अमित शाह जी कहें इस बात को तब पता चलेगा इस बात में कितना वजन है। अमित शाह जी कहें, सम्राट चौधरी कहें, अभी सम्राट चौधरी ने कहा था ना साहब 4 जून को नतीजे आए, सम्राट चौधरी ने 5 तारीख को कहा, सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम है उन्होंने 5 तारीख को कहा कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, और नीतीश कुमार ने जैसे ही समर्थन दे दिया, नरेंद्र मोदी को समर्थन मिल गया, उसके बाद में टाटा बाय बाय बोल दिया गया, और 10 तारीख को विजय सिन्हा के द्वारा बयान दिलवा दिया गया कि भाजपा के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। तो शहनवाज हुसैन जो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है वो उनका जो है बयान, नीतीश कुमार जो है वो उनके नेतृत्व में हम जाएंगे, तो शहनवाज हुसैन की चल कितनी रही है, मान कौन रहा है, ये बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल। तो सर आज जिस तरीके के नीतीश कुमार की इस बैठक के बाद जो चीजें सामने आई, नीतीश कुमार साफ तौर पर खुद से कुछ कहते हुए नजर नहीं आए, मीडिया के अंदर उनका खुद का कोई बयान सामने नहीं आया है, तो क्या आप सोचते हैं कि क्या इसके जो अंदर की जो प्लानिंग है या फिर अभी और क्या कुछ ऐसी चीजें चल रही है जो ये बताते हैं कि अभी नीतीश कुमार जो है वो बीजेपी के साथ अपने संबंधों को खराब नहीं करने की स्थिति में, या अभी नहीं चाहते वो किसी भी तरीके से अपने संबंध जो है वो खराब करें? तो देखिए नीतीश कुमार का अभी बयान नहीं आया है, ये बात सही है, लेकिन आप एक बात को और देखिए कि नीतीश कुमार जो है अगर वो सीधे सीधे बयान दे देंगे तो फिर उसके बाद में समस्या ये खड़ी हो जाएगी कि उसके आगे जो है फिर कोई और बार्गेनिंग करने की कंडीशन में कोई बचेगा नहीं। और फिर देखिए सबसे बड़ा नेता बयान जब देता है, जब चीजें पूरे एकदम पानी सर से ऊपर हो जाए तब जो है वो बड़े नेता बयान देते हैं, वरना आप मान करके चलिए कि बड़े नेता जो है फिर वो बयान नहीं देते, पहले अपने नेताओं से जो है बयान दिलवाया जाता है, पहले अपने नेताओं से बयान दिलवा करके जो है वो रफू करने की कोशिश की जाती है, और नीतीश कुमार जो है वही अभी फिलहाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए अभी जो चीजें जो बातें सामने आई कि कल जो हमारी चर्चा हुई थी उसके अंदर हमने जो बातें की थी, आज वो कहां किस हद तक सच साबित हुई है उस पर हमने एक पूरा का पूरा ये प्रोग्राम किया, ये पूरी की पूरी चर्चा की, और आज जो बिहार को लेकर नीतीश कुमार और जो रेडियो की जो बैठक हुई, इस बैठक के बाद क्या कुछ अहम चीजें सामने निकल कर आई उस पर हमने ये चर्चा की। आप लोग भी हमारे साथ जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद।